हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली हेयर फिक्सिंग से आज फिर आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है फ्रंटलेस हेयर पैच को लेकर। आपने जैसे सुना होगा कि Q6 होता है, ऑस्ट्रेलिया हेयर पैच होता है, मिराज हेयर पैच होता है, ये काफ़ी फाइन पैच होते हैं, बहुत अच्छे पैच होते हैं, मगर क्या है कि थोड़ी इनकी लाइफ कम होती है, इनको यूज़ करने में काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, सेल्फ सर्विस इस पर नहीं हो पाती है। इन पैचों को आपको ब्रांच पे ही जाके सर्विस करानी होती है। तो मैं आज आपके लिए फ्रंटलेस पैच लेकर आया हूँ, उस पैच के बारे में आज आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिलामेंट फ्रंटलेस। ये देखो, ये फिलामेंट फ्रंटलेस है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर क्लिपिंग भी लगाए हुए हैं, और ये न्यू पैच है। मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसके अंदर क्लिप लगाए हैं कि आप इस हेयर पैच को क्लिप के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये पूरा फ्रंटलेस होता है हेयर पैच, क्योंकि ये बना होता है 2-in-1। ये नीचे का जो हिस्सा होता है इसका, ये अलग होता है, और जो ये फ्रंट होता है ये इसका अलग होता है, कि अलग नेचुरल लाइन दिखाने के लिए। जब आप अपने पैच को जब सेंटर में जब पार्टीशन लोगे या आप बीच में बैक कॉम करोगे अपने हेयर पैच को, तो बिल्कुल सेम लुक आएगा आपका, जैसे एक नेचुरल बालों का लुक आता है, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी डेंसिटी होती है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लाइट डेंसिटी होती है। आप देख सकते हैं कि एकदम पूरी लाइट डेंसिटी है, देखिए इस तरीके से पूरा ये फ्रंट होता है, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि और इसकी डेंसिटी कैसी है, ठीक है। ये सेंटर से ये आप देख सकते हैं कि कितनी लाइट डेंसिटी है। तो इस तरीके से जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये फ्रंट है इसका, और ये बहुत छोटा सा फ्रंट है, यहाँ से लेके यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाता है। तो आप अपने हाथ से इस पर नो शाइन टेप लगा सकते हैं और क्लिपिंग के अंदर हेयर पैच को यूज़ कर सकते हैं, इसको सेल्फ सर्विस कर सकते हैं। इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है और इसको यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आता है, और इसके अंदर आप टेपिंग सिस्टम भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये टेपिंग करा हुआ हेयर पैच है और ये क्लिपिंग करा हुआ हेयर पैच है, और इसके अंदर आप टेपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ सर्विस करनी है तो सेल्फ के अंदर भी कर सकते हैं, बट आगे इसके अंदर नो शाइन टेप लगती है, पीछे इसके अंदर नॉर्मल टेप लगती है। इसकी डेंसिटी वही टाइप की है जो एकदम लाइट डेंसिटी होती है। तो मैं आज इस हेयर पैच को अपने सर पे आपको लगा के दिखाने वाला हूँ, और इसमें कोई भी किसी भी तरीके से कटिंग नहीं हुई है इस हेयर पैच के अंदर, और मैं इसको बिना कटिंग के आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। इसका फ्रंट दिखाने वाला हूँ और इसका बीच की जो डेंसिटी है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा कि कितना फाइन पैच है ये, और मतलब पूरा मैंने अभी इसको हेयर कट नहीं करा है और ना मैंने इसका आगे का फ्रंट काटा है, और अभी ये कटना बाकी है इसका, ये कटेगा और कटने के बाद में क्या कंडीशन और क्या पोजीशन आने वाली है वो सभी आप सबको ही पता है कि कितना फाइन लगने वाला है। बट मैंने इसको बीच में से भी आपको दिखाया है कि कितना लाइट वेट ये पैच है, कितना लाइट डेंसिटी के अंदर है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा लुक, काफ़ी नेचुरल लुक आपको मिलने वाला है, जैसे कि आप लोग हमेशा चाहते हैं कि हमें एक नेचुरल लुक मिलना चाहिए, हमें एक प्रोफेशनल स्टाइल मिलना चाहिए। तो इसके अंदर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको आने जाने में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, तो आप सर्विस करवाने में नहीं जाना चाहते, तो आप इसको सेल्फ सर्विस भी कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में मेरे समझाने में आपको किसी भी तरीके से कोई कमी लगी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए लिख के साथ। ओके, बाय बाय।